फाइनली सारेगामापा ऑडिशन की लास्ट डेट ख़त्म हो गई है और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे सारेगामापा ऑडिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर साफ साफ लिखा है कि डेट क्लोज हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो आपको यही नज़र आएगा और जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करेंगे तब भी आपको वो यही बोलेंगे कि आपकी डेट ख़त्म हो चुकी है ऑडिशन की। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ऐसी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लाते रहेंगे। और अभी तो गाइस तारे ज़मीन पर भी आना बाकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बच्चों के लिए तो काफ़ी सही कंपटीशन होने वाला है। इसी के साथ जो लोग सारेगामापा चैम्पियनशिप कनाडा के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन की अपडेट भी मैं आपको जल्द ही देने वाला हूँ, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और अगर आपको कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती तब भी आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सारेगामापा जो चैम्पियनशिप कनाडा है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जानकारी तो मैं आपको देता ही रहूँगा, बट कुछ और अपडेट्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि शो के अंदर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था, जिनको सेकंड राउंड भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, वो अपना ऑडिशंस दे रहे हैं अपना टाइम से, जो भी उनको वेन्यू और टाइम दिया गया है उस हिसाब से वो जा रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं आया तो आ जाएगा, कोई भी मतलब ऐसा मत सोचना कि अब नहीं होगा, आपको बस देखते रहना है। और उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा जिन लोगों का हो गया है। और आगे चलिए बात करते हैं हिमेश रेशमिया की, अगर हम बात करें या विशाल ददलानी की बात करें या फिर संकरा महादेवन की बात करें, इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया अभी सारेगामापा को लेकर, या कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं डाली जिसको लेकर मैं बात कर सकूं। बट एक बात और बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये आ रही है और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जैसे कि आप जानते हैं बचपन का प्यार जो बच्चा था काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, इंडियन आइडल के अंदर भी गया, बादशाह ने भी इनके ऊपर सॉन्ग कंपोज किया और भी बहुत सारी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। प्रॉब्लम बच्चे से नहीं है, प्रॉब्लम लोगों का ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे उस बच्चे से भी छोटे थे जो उससे काफ़ी अच्छा गा सकते हैं और जो उसकी एज के बच्चे उससे लाख गुना अच्छा गाते हैं, बट उनको किसी भी तरह का मौका या चांस नहीं मिलता। वही एक बच्चा वायरल हो जाता है गलती से या कैसे भी आप लगा लो, और उसको इतना नेम फेम सब कुछ मिल जाता है। तो इसके ऊपर जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं सिंगिंग को लेकर, रियलिटी शो में जाने को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक बात ये कह रहे हैं। तो इसके बीच विशाल ददलानी, जो कि आप जानते हैं इंडियन आइडल के अंदर भी आपने देखा एज अ होस्ट, और वहीं आपको सारेगामापा के अंदर भी देखने को मिलेंगे, उनकी क्या राय है इस चीज़ को ऊपर, ये आप वीडियो में देखिए। No, over the last few days I've seen a lot of videos. कि इस बच्चे को फेमस होना चाहिए था, कितना अच्छा गाता है, और उस बचपन के प्यार वाले बचपन बच्चे को इतना फेम क्यों मिल रहा है वगैरह वगैरह। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, दोनों बच्चे हैं, कंपेयर करना ज़रूरी है क्या? एक बहुत अच्छा गाता होगा, एक कम अच्छा गाता होगा, लेकिन एक का गाना बहुत मशहूर हो गया, बट डज दैट मीन वी हैव टू पुट हिम डाउन टू पुट द अदर गाइस अप? इट्स अ फक्ड अप मेंटालिटी, इट रियली इज। दोनों अच्छे नहीं हो सकते अपने अपने तरीके से, एक ने बहुत एंटरटेन किया, एक बहुत टैलेंटेड है, ऐसा नहीं हो सकता। द फक काइंड ऑफ वर्ल्ड आर यू पीपल लिविंग इन मैन? इट्स जस्ट अ किड, उसको नीचा दिखा के आप लोग मतलब क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू अचीविंग? डोंट डू दैट मैन, इट्स नॉट नाइस। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अपडेट सारेगामापा, इंडियन आइडल, सिंगिंग शो, डांसिंग शो से रिलेटेड लाता ही रहूँगा। मोस्टली हमारा चैनल आपको ऑडिशन से रिलेटेड जानकारी देना है, बट फिलहाल जब ऑडिशंस नहीं निकलते तो हम कहीं ना कहीं जो भी अपडेट हमें मिलती है शो से लेकर सिंगिंग, डांसिंग, रियलिटी शो, हॉलीवुड, टॉलीवुड एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी कास्टिंग कॉल से लेकर किसी भी तरह की अपडेट निकलती तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपडेट रह सके और क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, क्या चल रहा है सिंगिंग कल्चर के अंदर, डांसिंग कल्चर के अंदर, वो सब आपको अपडेट कर सके। आई होप आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।